नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्म की छोटी छोटी एक्सरसाइज, जिससे आप अपने शोल्डर की, एल्बो की, रिस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर साल हजारों पेशेंट आते हैं साइंस इंजीनियरिंग में अपना पैरालिसिस का इलाज करवाने। पैरालिसिस की मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को हम एक्सरसाइज बताते हैं कि छोटी छोटी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज कर आप अपनी मसल्स को ठीक रख सकते हैं। मेडिसिन अपना काम कर रही है ब्रेन में, मगर आपको अपनी मसल्स को ठीक रखना है। तो उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम हेल्प करते हैं, कैसे पेशेंट को हम छोटी छोटी एक्सरसाइज से उनकी जो हाथ की रेंज है वो ठीक की जा सकती है। मान लो मैं पैरालिसिस का पेशेंट हूँ और मेरे सीधी तरफ पैरालिसिस का अटैक हुआ है, मेरा आधा हिस्सा लकवाग्रस्त है, मेरा शोल्डर नहीं हिलता, मेरा हाथ इस तरह से कंस्ट्रिक्ट कर गया है, ये हिस्सा नहीं हिलता। तो इसी के हिसाब से मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे सिंपल से एक्सरसाइज है, आपने क्या करना है, एक छोटा सा टॉवल लेना है, छोटे से टॉवल को अपने हाथ के नीचे रखना है। अब आपने कुछ नहीं करना है, अपने शरीर को थोड़ा सा धक्का देना है। आपके घर में कोई भी डाइनिंग टेबल हो, स्टडी टेबल हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बैठ जाइए, चेयर लगा कर आराम से बैठिए, आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने शरीर को मेज के आगे धक्का देना है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। अगर आप ध्यान से देखें कि एक्सरसाइज में हो क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि मेरा कंधा खुल रहा है, ये थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है, ये देखिए। इस तरह से आप अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितना आप दूर जाएंगे उतना आप हाथ को आगे ले जा सकते हैं। अगर मैं मेज के पास आ जाऊंगा तो मेरे ये छोटा हो जाता है, मगर अगर मैं मेज से थोड़ा दूर होकर बैठता हूं और अपने आप को मेज की तरफ लेकर आता हूं, तो ये देखिए हाथ लंबा जाता है और ज़्यादा स्ट्रेच होता है। इन नंबर वन एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है शोल्डर की, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट है, कि थोड़ी बहुत आप ईयरली मूवमेंट कर सकते हैं, तो आप ये बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। आप 100 करें, 200 करें, 300 करें, जब तक आपके हाथ में दम है आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई जोर नहीं लगता इसमें, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप देखिए, अगर आपका हाथ थोड़ा हिलता है, इतना नहीं हिलता, बस इतना इतना ही हिलता है, तो इतना इतना करना कम नहीं है। अगर आप मेडिसिन शुरू करते हैं, आपका हाथ में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, महीने भर में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है और आपका हाथ इस तरह से हिलना शुरू होता है, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेडिसिन के। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये महीने भर में पूरा हाथ यूँ खुलना शुरू हो जाता है। तो छोटी सी मूवमेंट से शुरू करना है, धीरे 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 करते हुए पूरा हाथ खुलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके हाथ में थोड़ी सी भी मूवमेंट है, उसे करिए, उसे रिपीटेशन करिए, बार बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि वो हाथ खुलना शुरू हो जाए। अब दिक्कत आती है दर्द की, कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है, अपने यहाँ मालिश करनी है। अगर मान लो आप अपने कोहनी की एक्सरसाइज कर रहे, तो आपने क्या करना है, कोहनी पे जो हम आपको तेल देते हैं साइंस इंजीनियरिंग के साथ, वो बहुत अच्छा तेल है, बहुत अच्छा काम करता है, पेशेंट बहुत खुश रहते हैं उससे। आपने हल्की से मालिश करनी है, मालिश करने से क्या होगा कि जो उसका ठंडा गर्म इफेक्ट होता है, उससे मांसपेशियाँ आपकी नरम पड़ जाएंगी, एक बार वो नरम पड़ गई तो उनमें चाल आ जाएगी। तो आपने मालिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जब आपको लगे कि आप इससे थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी और मालिश कर ली और फिर आपका हाथ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपने कंधे की भी करनी है, कंधे में आपने थोड़ी सी मालिश, तेल लगाया और उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, जिसके पास बिल्कुल पावर ना हो, जिसके हाथ में बिल्कुल ताकत ना हो, वो भी इन एक्सरसाइज को बहुत इजीली टेबल पर कर सकता है। अब हम चलते हैं एल्बो की तरफ, कि कैसे हम अपनी कोहनी को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मेरे सीधे हाथ पे लकवा है, मान लीजिए कि मेरे सीधे हाथ पे लकवा है और ये अकड़न के साथ है, ये बिल्कुल एठा पड़ रहा है, इसे खोलना है। अब हम मेडिसिन तो खा रहे हैं, मेडिसिन ने दिमाग के अंदर कनेक्शंस बना दी, करंट आना शुरू हो गया, थोड़ी बहुत मूवमेंट शुरू हो गई, मगर यहाँ की जो मांसपेशियाँ इतनी एठी पड़ी हैं कि आपका हाथ सीधा ही नहीं होता। फिजियोथेरेपिस्ट आता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, मगर हाथ सीधा करना है, मगर जब तक हाथ सीधा नहीं होगा चल नहीं पाएगा। तो आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि आपको दर्द भी ना हो और आपका हाथ सीधा हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। वही लेकर आए हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। ये एक 1.5 इंची इलास्टिक है, जो आप किसी भी आम दुकान पे, जहाँ पर बटन सिलाई का सामान मिलता हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। 1.5 इंची इलास्टिक है, मैंने काफ़ी लंबा ले रखा है, आप इसे 2-4 मीटर ले लीजिए आराम से। आपने करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर इसको एक नॉट लगा दीजिए, एक फंदा सा बना लीजिए, जिस फंदे में आपका हाथ जा सके, ठीक है। ये फंदा बन गया आपका। अब मेरे सीधे पैर में भी दिक्कत है, मगर मेरे उल्टा पैर बिल्कुल ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक फंदा आपका हमने बनाया हाथ के लिए, एक फंदा हम बनाएंगे आपके पैर के लिए। आपने क्या करना है, इलास्टिक लेना है। अब आपका पैर देखो, ये पैर की लंबाई देखिए, जूते से लेकर मैंने यहाँ तक कोहनी तक लिया और यहाँ पर एक फंदा और मैंने बना दिया, नॉट सी लगा दी, जिसमें मैं अपने हाथ या पैर किसी एक चीज को फंसा सकूं, ठीक है। ये आप देखो, अब इसको देखो, इसको छोड़ दो,
आपके ये तैयार हो गए, दो फंदे हो गए, एक हाथ के लिए एक पैर के लिए, और मैं इस एक्स्ट्रा इंची टेप को काट देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा 1 और 2, ठीक है, ये इलास्टिक हमने इस तरह से बना लिया। अब करना क्या है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, एक फंदे को अपने पैर में रखा और एक हाथ को इस तरह से रखा। अब मेरा ये इलास्टिक मेरे हाथ को खींच रहा है। अब मैंने अपने शरीर को पीछे की तरफ लेके जाना है। आप ध्यान से देखो, मेरे हाथ में कंस्ट्रक्शन थी, ये टेढ़ा था, मुड़ा हुआ था, इसे खींचना पड़ रहा था। अभी काम फिजियोथेरेपिस्ट भी आके करवाता है, वो आपके हाथ को खींचता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है, बार बार करता है, वो दर्द होता है। मगर यहाँ पर कंट्रोल आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है। कितना जोर आपने लगाना है, कैसे लगाना है, आप कितना आप दर्द सह सकते हैं, वो आपके हाथ में आ गया है। तो अब मैंने क्या किया, पैर में एक फंदा फंसाया, दूसरा फंदा अपने हाथ में फंसाया। अब मैं रिलैक्स, इसमें अब कोई खिंचावट नहीं है। मगर अगर मैं शरीर को पीछे पीछे लेके जाता हूँ तो मेरा हाथ यहीं रह जाएगा और मेरा शरीर पीछे की तरफ जाएगा। और ये वाला जोर ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये मेरी जो कोहनी है खुलनी शुरू हो गई, मगर मुझे अब दर्द भी हो रहा है। अब दर्द का इलाज क्या है, तो हम जो साइंस संजीवनी में तेल देते हैं, ये न्यूरो एम कर ऑयल आता है। आप जब मेडिसिन मंगवाएंगे साइंस संजीवनी में, जो ब्रेन में काम करती है वो अलग से है। ये जो ऑयल है ये स्पेशली बनाया गया है आपके दर्द के लिए। अगर आपकी मांसपेशी में जरा से भी ऐंठन है, आपको हाथ उठाने में दिक्कत होती है, तो इस ऑयल का आप यूज कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी एक्सरसाइज के अंदर। अब आपने करना कुछ नहीं होता, जैसे इस एक्सरसाइज में मुझे मेरी कोहनी की भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे हाथ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कोहनी सीधी हो जाए, पूरी खुल जाए, मगर मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया, किसी से आप लगवा भी सकते हैं, किसी को बोलिए कि आप लगा लीजिए। उसके बाद आपने इसको अपनी कोहनी पर पूरी तरह से मल लिया। अब आप इसे टेंशन बना के रखिए, थोड़ा थोड़ा इसको मालिश करते रहिए और अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचते रहिए। जैसे जैसे ये तेल ठंडा गर्म आपको महसूस होना शुरू होगा, मांसपेशी जो आपके नीचे है, जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो नरम पड़नी शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि इस रबर बैंड की वजह से, जिसने आपका हाथ को नीचे की तरफ खींच रखा है, एक दबाव बना रखा है, ऊपर से आप मांसपेशियों को लचीला करने के लिए, इसमें ताकत डालने के लिए आप ऊपर से ऑयलिंग कर रहे हैं, एक तो आपको दर्द कम होता है, दर्द कम होता है और आपका हाथ खुलता चला जाता है। तो इस तेल का आपको यूज करने का एक नया तरीका आपको पता लग गया, जिससे आप अपना हाथ खोल भी सकते हैं और दर्द को भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक छोटी सी बैंड को यूज़ किया, एक छोटे से इलास्टिक को यूज़ किया, जो मेरे ख्याल से 10-20 रुपए मीटर आता है, आपको आराम से मिल जाता है, इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ को ठीक करने में। मगर ध्यान रखना, ये अकेली एक्सरसाइज आपको मदद नहीं करने वाली, जब तक आपके ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा ये सब कुछ फेल है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी ब्रेन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मेडिसिन आपने ज़रूर लेनी है, मेडिसिन नहीं छोड़नी। हमारी मेडिसिन के साथ आपने बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना, इन बातों का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने सीख लिया कि कैसे आप छोटी सी एक्सरसाइज कर अपने शोल्डर को खोल सकते हैं और कैसे आप अपने एल्बो को खोल सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो पैरालिसिस रिलेटेड, की पैरालिसिस में कैसे साइंस संजीवनी कितने लोगों की हेल्प करती है, कैसे आप अपने इस पैरालिसिस से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप दोबारा खड़े हो सकते हैं, कैसे आपका दोबारा हाथ चल सकता है, तो बेझिझक इस नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करके हमारे डॉक्टर से आप बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे हम साइंस इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं, कैसे हम पेशेंट को खड़ा करते हैं, कैसे पेशेंट को हम दौड़ाते हैं, कैसे पेशेंट को हम दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको हर जगह हेल्प करेंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे मसाज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे जो हम मेडिसिन देते हैं ब्रेन में साइनेप्सिस बनाती हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो बनते हैं, दोबारा से आपको ताकत मिलनी शुरू होती है, आपका शोल्डर ठीक हो जाता है, आपका एल्बो ठीक हो जाती है, आपकी टांग ठीक हो जाती है, वो आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।